बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑल दो नया टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक कंटिन्यूड है, न्यूट्रिशन केयर का ही टॉपिक है, बट इट्स न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। तो जब आप न्यूट्रिशन डायग्नोसिस कर लेते हैं, न्यूट्रिशन असेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है, आपने असेसमेंट की एंथ्रोपोमेट्रिक के ज़रिए से, बायोकेमिकल डाइट्री असेसमेंट, ठीक है, लेबॉरेटरी असेसमेंट, ठीक है, सब असेसमेंट कर ली, ठीक है, आपने उसे फिर डिटरमाइन कर लिया, लेबॉरेटरी रिजल्ट्स आए, ठीक है, फिजिकल इवैल्यूएशन हुई, वहाँ से आपने डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट को ये डिजीज़ है या ये डिफिशेंसी है या ये मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो जब भी स्टेट्स ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, या पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं उनको उनको सर्जरी या मेडिकेशंस, इन जितने भी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, इनके साथ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन भी दी जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को किस तरह की डाइट देनी चाहिए, ठीक है। तो हम ज़रा उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। द न्यूट्रिशन और डाइट प्रिस्क्रिप्शन। द डाइट और न्यूट्रिशन प्रिस्क्रिप्शन डेजिग्नेट्स द टाइप, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स डिजीज, ठीक है, एंड द डिजीज मैनेजमेंट गोल्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट का डिजीज़ प्रोसेस होता है या उसके डिजीज़ मैनेजमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है, हम उसकी बेस पे पेशेंट की डाइट की या न्यूट्रिशन की जो टाइप है, अमाउंट है और फ्रीक्वेंसी है, वो हम डेजिग्नेट करते हैं एक पेशेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट हैज़ एडिमा, ठीक है, या यूरिक एसिड एक पेशेंट में बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो यूरिक एसिड हाई है तो उसमें क्या होता है कि एडिमा बनता है, ठीक है। तो और उसमें जो है तो फिर उसमें आप क्या होता है, आप सॉल्ट जो है कम लेते हैं, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें आप कह लें कि स्पेसिफिक है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, या उनको ब्लड प्रेशर हाई होने के साथ साथ उनका किडनी में भी जो है मसला है, ठीक है, और हम किसी भी इन्हीं बेसिस पर हम उनको सोडियम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि डिजीज़ कैसा था उसके बेस पे हमने सोडियम रिस्ट्रिक्शन दी उनको, ठीक है। डिजीज़ मैनेजमेंट गोल्स क्या हैं? मैनेजमेंट गोल्स ये हैं कि पहले एडिमा कम होगा, उसके बाद हम किडनी को जो है ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैनेजमेंट गोल ये है कि पहले एडिमा कम करना है, पानी निकालना है पेशेंट की बॉडी से, और फिर उसके बाद उसकी आगे आप कह लें कि इंटरवेंशन करनी या फिर आगे उसको ट्रीट करना है पेशेंट को, तो ठीक है, जिस तरह का मैनेजमेंट गोल होगा उसके बेस पर हम पेशेंट की डाइट टाइप और अमाउंट और फ्रीक्वेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग्स को डिटरमाइन करते हैं। द प्रिस्क्रिप्शन में स्पेशलाइज आ या स्पेसिफाइज आ, मतलब एक क्या स्पेसिफिक कैलोरी लेवल या कोई भी न्यूट्रिएंट जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। कोई भी आपका पेशेंट है, फॉर एग्जांपल एक बर्न पेशेंट है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि बर्न पेशेंट की सबसे ज़्यादा प्रोटीन नीड्स हाई होती हैं क्योंकि प्रोटीन बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन नीड्स हाई होती हैं, साथ में कैलोरिक लेवल भी, कैलोरिक नीड्स भी हाई हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कुछ, कोई भी जिस तरह का भी डिजीज़ है, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स आप ज़्यादा देते हैं, कुछ आप कम करते हैं, ठीक है, आपने बैलेंस करना होता है डिजीज़ के हिसाब से। इट मे ऑल्सो लिमिट और इंक्रीज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाइट सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अल्कोहल, स्पेसिफिक वाइटमिन्स और मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर और वाटर। तो अब कई ऐसे आपके पेशेंट्स होते हैं जिनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसले होते हैं, ठीक है, और वो उस हिसाब से आए होते हैं, ठीक है, किसी को एसिड रिफ्लक्स है या किसी का आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग खराब हुई हुई है, ठीक है। तो ऐसे में आप पेशेंट्स को सॉफ्ट डाइट देते हैं, ठीक है, हो सकता है आप उनको फाइबर रिच डाइट दें, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपका खतरा ज़्यादा होता है, ज़्यादा फाइबर रिच डाइट देंगे तो भी इरिटेट आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग इरिटेट हो जाएंगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक आप अमाउंट कुछ की इंक्रीज करते हैं, कुछ की कम करते हैं ऑन द टाइप ऑफ अ पेशेंट्स डिजीज। तो उसमें
एनर्जी अलाउंस कितनी होनी चाहिए। एपीटाइट, सबसे पहले तो आता है एपीटाइट रेगुलेट्स बॉडी वेट विद सरप्राइजिंग एक्यूरेसी इन मोस्ट नॉर्मली एक्टिव पीपल। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है एपीटाइट, ठीक है। हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, ठीक है, और हमारा जो है वेट जो है अक्सर औकात जो है हमारी भूख ही है जो रेगुलेट कर रही होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। अगर हमें बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, बहुत कम खाना खाएंगे तो हमारा वेट वेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक नॉर्मल लिमिट की, एक आपकी नॉर्मल लिमिट होनी चाहिए अक्सर औकात। अब देखें एपेटाइट जो है एक्टिव पीपल में जो है बॉडी वेट रेगुलेट करती है। जितने भी एक्टिव लोग होते हैं, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्टिव लोग हैं, उनकी एपेटाइट जो है उनकी एक्टिविटी के हिसाब से होती है, ठीक है, और उनका अक्सर औकात बॉडी वेट मेंटेन रहता है। लेकिन अक्सर औकात वो लोग जो इनएक्टिव हैं, वो लोग जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो लोग जिनका बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ एपेटाइट नहीं आती है, ठीक है। अक्सर औकात अगर आप एथलीट्स को देख लें, जो ग्रोइंग एथलीट्स हैं, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं उसमें सिर्फ एक्टिव एपिटाइट ही आपकी कायम है, उनकी एनर्जी नीड्स एक्सट्रीमली हाई होती हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने ग्रो भी होना होता है और फिर उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना होता है, तो उसमें फिर उनको सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, वरना उनकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। तो हाउएवर इट इज़ नॉट वैलिड और रिलायबल इन डिजीज एंड एनर्जी नीड्स मे नीड टू बी कैलकुलेटेड बाय वैरायटी ऑफ मेथड। तो अक्सर औकात डिजीज्ड स्टेट्स में या डिफरेंट लाइफस्टाइल कंडीशंस में एपेटाइट नहीं होती जो सिर्फ मेंटेन करे बॉडी वेट, तो उसमें फिर डाइटिशियन होता है जिसको एनर्जी नीड्स कैलकुलेट करनी होती है। और एनर्जी नीड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। व्हेन नेसेसरी एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द बेसल और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट यूजिंग ए मेटाबॉलिक चार्ट एंड इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री कैन बी वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो एक्चुअल या बेसल रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट अगर हमने फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसके बेस पर हम इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के जरिए से, ठीक है, या मेटाबॉलिक चार्ट के जरिए से या बॉम्ब कैलोरीमेट्री के जरिए से हम मेटाबॉलिक नीड्स या एनर्जी नीड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्लूड कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ किलो कैलोरीज पर डे और कैलकुलेटिंग द परसेंटेज इंक्रीज ओवर बेसल मेटाबॉलिक डिमांड्स। ये जो है ये आपका वो मेथड है जिसमें ना आप आपके पास एक एक बेसिक पहले से डिटरमाइंड एक आपके पास एनर्जी कैलकुलेशन वैल्यू होती है, ठीक है, एक एनर्जी कैलकुलेशन आपके पास वैल्यू होती है, उसके अंदर आप वैल्यूज पुट करते हैं और फिर आप जैसे हम मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है, जैसे बी ई आर ई फाइंड करने के लिए पहले से एक आपके पास वैल्यूज डिटरमाइंड होती हैं, एक एनर्जी कैलकुलेशन की प्रॉपर वैल्यूज होती हैं और उनके अंदर हम वैल्यूज पुट आउट करते हैं, ठीक है, तो ये वो तरीका है। द आर डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आर डी क्या है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में आर डी कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग इफ द पेशेंट्स इलनेस वारंट्स एन इंक्रीज एनर्जी अलाउंस बेस्ड ऑन डायग्नोसिस एंड इलनेस ऑफ सिवेरिटी। तो बस इसमें यह है कि आर डी रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट की एनर्जी अलाउंस डिटरमाइन करने के लिए। द जनरल और रेगुलर हॉस्पिटल डाइट शुड बी प्लान टू मीट द एनर्जी नीड्स फॉर मोस्ट हेल्दी एडल्ट ऑफ नॉर्मल वेट। तो इसमें हॉस्पिटल डाइट जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उस पेशेंट की सारी एक उसके नॉर्मल वेट और हाइट के हिसाब से एनर्जी नीड्स पूरी होनी चाहिए। और अगर वो फॉर एग्जाम्पल सर्जरी में है या रिकवरी पीरियड में है, तब एनर्जी नीड्स डिमांड्स बढ़ जाती हैं, तो फिर उनको भी अकोमोडेट करना चाहिए। प्रोटीन अलाउंस, द आरडीए फॉर प्रोटीन इज 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर एडल्ट्स। तो ये बात तो आप याद रख लें अच्छे तरीके से कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट एडल्ट्स को प्रोटीन चाहिए होता है। दिस लेवल इज यूजली कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर प्रीवियसली वेल नॉरिश्ड इंडिविजुअल्स हु आर एम्बुलेटरी और हु रिक्वायर ओनली ब्रीफ पीरियड्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बात की हुई है कि ये जितना लेवल प्रोटीन का बताया हुआ है ये उन इंडिविजुअल्स के लिए सही है जो हेल्दी हों
और वो इंडिविजुअल्स जो सिर्फ कुछ अरसे के लिए हॉस्पिटलाइज हुए हों, ठीक है, लेकिन प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन डिफरेंट हो जाती हैं, दे मे बी ऑल्टर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन, फीवर, ट्रॉमा, बर्न्स एंड सर्जरी। देखें, इन सब में, इन्फेक्शन में, फीवर में, ट्रॉमा में, बर्न्स और सर्जरी में, इन सब में बॉडी का, सर्जरी और बर्न्स के बाद बॉडी टिश्यू जो है वो दोबारा से सिंथेसाइज हो रहा होता है। फीवर, इन्फेक्शन, ट्रॉमा में बॉडी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई होता है और उसको वापस लाना होता है, पूरे का पूरा बॉडी का जो स्टे एक फिजिकल स्टेट है वो ऑल्टर हुई हुई होती है, तो सारी की सारी बॉडी इम्बेलेंस में होती है, तो पूरी बॉडी को वर्क करना होता है उसको वापस लाने के लिए, और इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, उसे लड़ने के लिए, तो उस सब में आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, तो तब हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर जाती हैं। ये आपको याद होना चाहिए किन कंडीशंस में प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आप इंक्रीज करती हैं। जनरल और रेगुलर हॉस्पिटल डाइट्स शुड प्रोवाइड अ लेवल ऑफ प्रोटीन स्लाइटली हायर देन रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉर्मल एडल्ट्स, सिंस मेनी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स विल हैव इंक्रीज प्रोटीन नीड्स। तो जितने भी हॉस्पिटल डाइट्स होती हैं, ठीक है, आजकल तो पाकिस्तान में भी ऐसा है, बाहर के मुल्कों में वैसे बहुत ज़्यादा है कि जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऑल दोज पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में रहते हैं उनको हॉस्पिटल की तरफ से डाइट दी जाती है, ठीक है, तो जनरली जितनी भी हॉस्पिटल डाइट्स हैं उनको इस तरीके से डिटरमाइन करना चाहिए कि उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल पेशेंट्स होते हैं उनकी प्रोटीन नीड्स हाई ही होती हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशन है और उसमें वो आरडी जो है रजिस्टर्ड डाइटिशियन देखता है कि क्या स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें हमने प्रोटीन नीड्स ऑल्टर करनी है। मिनरल्स एंड विटामिंस, अप्रोप्रिएट लेवल्स और विटामिंस एंड मिनरल्स फॉर स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स आर डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली डिटरमाइन। जितने भी हमारे स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स हैं, स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स का मतलब ये है कि फीवर हो, ट्रामा हो, इन्फेक्शन हो, बर्न, सर्जरी हो, ठीक है, या किसी और डिजीज से लड़ रहे हों, ठीक है, उसे या उस डिजीज स्टेट में हो, तो ऐसे जितने भी कंडीशन होते हैं इनमें इंडिविजुअल्स का फिजिकल लेवल, इनका बॉडी लेवल जो है स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है, तो ऐसे में विटामिन और मिनरल नीड्स अप्रोप्रिएटली डिटरमाइन करना ज़रा मुश्किल है। विटामिन और मिनरल नीड्स एक हेल्दी इंडिविजुअल्स की तो डिटरमाइन हुई हुई है, लेकिन स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स में विटामिन और मिनरल नीड्स ऊपर या नीचे हो सकती हैं, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन एडिक्वेसीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स मे बी काउंटर्ड विद मोबिलाइजेशन ऑफ बॉडी स्टोर्स, डिक्रीज्ड लॉसेज, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन और इम्प्रूव्ड यूज। तो इसमें क्या होता है कि आपकी विटामिन मिनरल नीड्स जो हैं इनएडिक्वेट हो जाती हैं, या अक्सर औकात ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट विटामिंस और मिनरल डिफिशेंसीज हो जाती हैं। वो विटामिन और मिनरल डिफिशेंसीज इस वजह से होती हैं क्योंकि उन पेशेंट्स के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की या तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रही होती है या इंक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है, या डिक्रीज लॉसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, या मतलब इस तरह का कोई भी, या वो ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपकी इनएडिक्वेसीज हो सकती हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज वेरी एंड मोर डिफिशेंसीज विद क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स में टेक वीक्स, मंथ्स और ईयर्स टू डिवेलप। तो अक्सर न्यूट्रिएंट डिफिशेंसीज जो हैं हो रही होती हैं, लेकिन बॉडी का कोई क्लिनिकल या फिजिकल सिम्टम अक्सर औकात डिवेलप होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और हम अक्सर औकात न्यूट्रिएंट डिफिशेंसीज जो हैं वो क्लिनिकल साइंस या फिजिकल सिम्टम्स के जरिए से डिटरमाइन करते हैं, और अक्सर औकात इनको डिवेलप होने में वीक्स, मंथ्स या ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर उस न्यूट्रिएंट की डिफिशेंसी नहीं, बॉडी के अंदर डिफिशेंसी होती है लेकिन उस तक बॉडी या इंडिविजुअल एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो ऐसे में विटामिन या मिनरल डिफिशेंसी डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल हम एक इंडिविजुअल के सारे बायोकेमिकल टेस्ट्स ना कर लें। बायोकेमिकल मेजरमेंट्स फॉर आइडेंटिफाइंग इनएडिक्वेसीज एट अर्ली स्टेजेस आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड, ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस पे इनएडिक्वेसी डेवलप डिटरमाइन करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इवन उनके लिए बायोकेमिकल टेस्ट भी अभी
डिवेलप हो रहे हैं, अभी तो काफ़ी हद तक हो गए हैं लेकिन अभी स्टिल डिवेलप हो रहे हैं, देयर इज स्टिल रूम फॉर डिवेलपमेंट ऑफ मूड टेस्ट्स टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल इनटेक्स. द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड. रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, नेचर ऑफ डिजीज और इंजरी, विटामिन और न्यूट्रिएंट की क्या रिक्वायरमेंट है हेल्दी इंडिविजुअल्स की, डिजीज किस तरह का है या इंजरी किस टाइप की है, बॉडी स्टोर्स ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बॉडी में स्टोर कितने हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, विटामिन ए बॉडी में स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है. अगर लिवर का ही कोई डिजीज है तो हम ये बात डिटरमाइन कर सकते हैं कि मे बी विटामिन ए इस बॉडी में इतना ज़्यादा या लिवर में इतना ज़्यादा स्टोर ना हो रहा हो. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का हमने देखना होता है. नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस थ्रू स्किन, यूरिन और इंटेस्टाइनल ट्रैक. फिर हमने ये देखना होता है कि कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट के कितने नॉर्मली बॉडी में लॉसेस होते हैं. ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस डिजीज, अगर उस एक इंसान में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिजीज है तो पिछले डेटा से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर इस तरह का डिजीज है तो कौन से न्यूट्रिएंट के लॉसेस हो सकते हैं, अकर कर सकते हैं. तो पहले से सप्लीमेंट देना शुरू कर दिए जाए पेशेंट को ताकि उसके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी ना डेवलप की जाए. ठीक है, तो हमने लॉसेस देखने होते हैं और लॉसेस नॉर्मली अकर कहाँ से होते हैं, बॉडी में अकर होते हैं थ्रू स्क्रीन, थ्रू यूरिन, थ्रू इंटेस्टाइनल ट्रैक. ठीक है, इन सब से न्यूट्रिएंट्स के लॉसेस हो रहे होते हैं. और लास्ट में ड्रग एंड न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम फूड में न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं लेकिन हमारे ड्रग्स इस तरह के होते हैं, सर्टेन मेडिकेशंस इस तरह की होती हैं कि वो उनके साथ बाइंड कर जाती हैं या वो उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं. ठीक है, तो ड्रग और न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स ऐसा होता है कि इसमें रजिस्टर्ड डाइटिशियन को और आपके जो हैं आपके डॉक्टर को, ठीक है, इनको और फार्मासिस्ट को, ठीक है, इनको आपस में इंटरेक्ट करना होता है. ठीक है, और डिटरमाइन करना होता है कि अगर इस टाइप की डिजीज़ है, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिजीज़ है, उस डिजीज़ से इस तरह के न्यूट्रिएंट की जो है वो हो सकती है, डिफिशेंसी हो सकती है. तो ऐसे में डाइटिशियन क्या करेगा, डाइटिशियन उन न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स देना शुरू करेगा. ठीक है, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है कि उसके सप्लीमेंट्स या उसकी डाइट में वो फूड्स डालेगा. ठीक है, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है कुछ उस तरह उसी डिजीज़ के लिए जो मेडिकेशंस होती हैं वो उनके साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं और न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं होने देती. ये बात डॉक्टर को भी पता होता है, पेशेंट को भी पता होता है कौन से टाइप की मेडिकेशन से कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं होगा. तो उसमें क्या होता है, फिर आपका डॉक्टर और पेशेंट डिसाइड करते हैं कि इन सॉल्ट्स के बजाय हम इन सॉल्ट्स के मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर टाइमिंग होती है कि इस टाइम में या पेशेंट की ड्रग की टाइमिंग या फूड की टाइमिंग चेंज कर दी जाती है ताकि न्यूट्रिएंट और ड्रग आपस में इंटरेक्ट ना करें और स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिफिशेंसीज ना डेवलप हों. ठीक है, तो ये सब हमने कंसिडर करना होता है विटामिन और मिनरल इनटेक पेशेंट की डिटरमाइन करने के लिए. क्या कंसिडर करना होता है, हेल्दी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस टाइप का डिजीज़ है, बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स के स्टोर्स क्या हैं, लॉसेस कितने अकर होते हैं नॉर्मली, और ड्रग और न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस क्या होते हैं उनके. देन कम्स फ्लूइड्स. नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट, जो कि पसीना ना बहा रहा हो, परस्पायर्स ना कर रहा हो, सॉरी परस्पायर ना कर रहा हो, उसको 1800 टू 2500 ml पर डे चाहिए होता है. ठीक है, एडिशनल फ्लूइड्स जो हैं जब आप तब देते हैं जब आपने एक्सेसिव परस्पायरेशन हो, वॉमिटिंग, डायरिया हो, ट्यूब, अक्सर पेशेंट्स को ट्यूब्स लगाई जाती हैं तो ट्यूब से भी ड्रेनेज होता है, बॉडी के फ्लूइड्स का ड्रेनेज होता है, तो वो हो रहा हो. ठीक है, अक्सर वक्त ऐसा होता है कि ट्यूब लगा के स्टमक से स्टमक में अक्सर अवकात टॉक्सिक फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है. ठीक है, या इंटेस्टाइन्स में जमा होना शुरू हो जाता है तो उनको निकाला जाता है. ठीक है, तो ये सब जो है आप वाटर लॉसेस से ठीक कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा इफ सफिशेंट वाटर कैन नॉट बी टेकन इन ओरली, इट मस्ट बी सप्लाइड इंट्रामीनियसली यूजली अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो क्या होता है कि आपने साथ में
इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेने होते हैं, क्योंकि अक्सर औकात वोमिटिंग, डायरिया और परस्पिरेशन से इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है। तो जब आप फ्लूइड देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आपने साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी देने होते हैं, ठीक है। ऐसे आप कब करते हैं, रजिस्टर्ड डाइटिशियन को इनपुट, इनटेक और आउटपुट, ठीक है, इन रिकॉर्ड्स को देखना चाहिए। इनटेक रिकॉर्ड्स और आउटपुट रिकॉर्ड्स ये पेशेंट्स के साथ साथ मैयर होते रहते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन को इन रिकॉर्ड्स को देखना चाहिए और फिर उस हिसाब से पेशेंट की फ्लूइड इनटेक डिटरमाइन करनी चाहिए। अच्छा, मॉडिफिकेशंस ऑफ नॉर्मल डाइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो थेरेप्यूटिक डाइट है वो क्या है, वो नॉर्मली ये है कि हम नॉर्मल जो आपकी न्यूट्रिशन है, जो एक हेल्थी एडल्ट के लिए वाइटमिन, न्यूट्रिएंट इंटेक डिटरमाइन हुए हुए हैं, उन्हीं के बेस पे हम थेरेप्यूटिक डाइट बनाते हैं, ठीक है। उसी की बेस पे हम उसी की थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं ताकि हम एक पेशेंट को डाइट दे सकें। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ डाइट प्रिस्क्राइब्ड, द पर्पस ऑफ द डाइट इज टू सप्लाई नीडेड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी इन अ फॉर्म दैट इट कैन हैंडल। सो एडजस्टमेंट ऑफ द डाइट कैन हैपन इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहली बात यह है कि थेरेप्यूटिक डाइट ये है कि आपने नॉर्मल डाइट के एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, ठीक है। जिस भी टाइप की डाइट प्रिस्क्राइब हो, ठीक है, वो टाइप की डाइट आप नॉर्मल डाइट की ही एडजस्टमेंट के जरिए से अचीव करते हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से वो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, दीज आर द फॉलोइंग, ये आपको याद होनी चाहिए। कुछ जो एडजस्टमेंट्स हैं किस तरीके से हम अचीव करते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ फूड्स, ठीक है। अगर पेशेंट खाना नहीं खा सकता, चबा नहीं सकता, बूढ़ा पेशेंट है या उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम खाना देते हैं, न्यूट्रिएंट्स पूरे दे रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर सॉलिड या हार्ड फूड नहीं खा सकता तो हम उसको सॉफ्ट फूड पे ले आते हैं, लिक्विड फूड पे ले आते हैं, सेमी लिक्विड फूड पे ले आते हैं। लिक्विड डाइट, प्यूरीड डाइट, लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट। प्यूरीड डाइट होती है डिफरेंट, आप जैसे डिफरेंट सूप्स हैं, ठीक है, उनको बना के, पका के, डिफरेंट आप वेजिटेबल्स को बॉईल करके, आप उनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बनाते हैं, ठीक है, वो पेशेंट को दे सकते हैं। लिक्विड डाइट पे ला सकते हैं, ठीक है। लिक्विड डाइट जैसे ORS, स्प्राइट, टी, क्लियर ब्रॉथ, ठीक है, ये सब आपकी लिक्विड डाइट है, ठीक है। और प्यूरी डाइट ये है, लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, ठीक है। ये सब हम कंसिस्टेंसी ऑफ डाइट में ही आता है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को फाइब्रस डाइट देना है, उनके लिए नुकसानदेह है, तो हम उनको लो फाइबर डाइट पे ले आते हैं। कुछ के लिए अच्छा है तो हम उनको हाई फाइबर डाइट पे ले आते हैं, ठीक है। देन इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी वैल्यू ऑफ डाइट, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का हमने सर्जरी करनी है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। ऐसे पेशेंट को हम 6 महीने के लिए उसका वेट रिड्यूस करवाते हैं, उसको हम वेट रिडक्शन डाइट पे लेके आएंगे और फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। या फिर हाई कैलरी डाइट, ऐसा पेशेंट जो बहुत ज्यादा मेल नरिश्ड है, उसको हम हाई कैलरी डाइट पे लेके आते हैं, तो क्या हुआ, एनर्जी वैल्यू चेंज कर दी है, या बहुत कम की है एनर्जी, या बहुत ज्यादा हाई कर दी है, कैलरीज या कम दे रहे हैं या बहुत ज्यादा दे रहे हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन द टाइप ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट कंज्यूम, ठीक है। मतलब एक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट को, एक न्यूट्रिएंट हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं या बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट हाई ब्लड प्रेशर में, लैक्टोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट लैक्टोज इंटॉलरेंस में, फाइबर इनरिच इनहांस्ड डाइट, ये आपकी बहुत सारी मेल नॉरिश्ड डिफिशेंसीज में आ सकता है। हाई पोटेशियम डाइट, ये आपका तब आता है जब पेशेंट फॉर एग्जाम्पल अक्सर औकात कैंसर में भी आपकी हाई पोटेशियम डाइट कुछ डेट के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टाइप ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है। फिर आता है एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, कुछ फूड्स को बिल्कुल ही डाइट से निकाल देना है। एक तो है हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, लेकिन हमने उनको डाइट से नहीं निकाला। अब एक है कि कुछ कंडीशंस में हमने उनको बिल्कुल ही डाइट से निकाल देना होता है, ये तब होता है जब किसी पेशेंट को एलर्जी होती है। तो जितनी भी एलर्जी डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट, ठीक
ठीक है, इन सब में हमने वो न्यूट्रिएंट बिल्कुल डाइट से निकाल देना होता है, क्योंकि वो जब भी लेंगे तो पेशेंट को बुरा हाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ को लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, दे डाइट दे कैन हैव एनाफिलैक्टिक शॉक, हम उनको नहीं दे सकते पीनट किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपने ख्याल करना होता है। अक्सर औकात आपकी जो एशियन कुजींस होती हैं, ठीक है, जैसे चाइनीज़ हैं, जैपनीज हैं, कोरियंस हैं, मलेशियंस हैं, ठीक है, ये अपने खानों में पीनट ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अक्सर औकात इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स टू अमेरिकन पॉपुलेशन, यूरोपियन पॉपुलेशन, यहाँ पे अक्सर औकात लोगों को पीनट एलर्जी होती है, लाइक इट्स वेरी कॉमन। लेकिन अगर आप आ जाएं एशियन साइड पर, या आप आ जाएं इंडियंस, मिडल ईस्टर्नस, इनको पीनट एलर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इनकी कुजींस में पीनट ऑयल आम यूज़ होता है। लेकिन आप अगर यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, तो वहाँ पे अगर वो यूज़ करते हैं पीनट ऑयल, तो फिर वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि इस खाने के अंदर पीनट है, ताकि वो लोग जिनको पीनट एलर्जी है वो इसको सब्सटीट्यूट कर लें या उसको ना खाएं। एडजस्टमेंट इन द लेवल रेशियो और बैलेंस ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अब आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लेवल में या रेशियो में या उनके बैलेंस में एडजस्टमेंट करना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हम आगे करेंगे भी, कि हम अपनी डाइट में पहले कैलोरीज डिटरमाइन कर लेते हैं, एक इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, फिर उन कैलोरीज में हम रेशियो देखते हैं, फैट कितनी, प्रोटीन कितनी रखनी है और कार्बोहाइड्रेट कितना रखना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम रेशो में कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के हमने फैट इनटेक कम करने हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो हम उनमें फैट बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बढ़ा देते हैं। कुछ को प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो प्रोटीन बढ़ा देंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट फैट कम कर देंगे। कुछ को हाई कार्ब चाहिए होता है, जैसे एथलीट्स वगैरह हैं, जब उन्होंने इंटेंस ट्रेनिंग करनी होती है, तो उनके हम कार्बोहाइड्रेट डाइट में ज़्यादा कर देते हैं और प्रोटीन फैट नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस पर। जैसे फॉर एग्जांपल डाइट फॉर डायबिटिक्स, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, प्रोटीन फैट नॉर्मल रखते हैं। कीटोजेनिक डाइट, इसमें हम फैट ज़्यादा कर देते हैं, कार्ब बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और फिर प्रोटीन होता है थोड़ा बहुत। रीनल डाइट में प्रोटीन कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट नॉर्मल रहता है, क्योंकि किडनीज आपकी डिस्टर्ब हो रही होती हैं, तो वो प्रोटीन को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट यूरिया है, जो कि यूरिया किडनी यूरिया को कन्वर्ट करती है यूरिन में। और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग डाइट, ठीक है, ये सब जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लेवल या रेशो में एडजस्टमेंट है। रीअरेंजमेंट ऑफ द नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम पेशेंट्स की मील्स बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइट फॉर डायबिटिक्स, पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी डाइट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है, ये गैस्ट्रेक्टमी, ये आपके पेट की सर्जरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम नंबर ऑफ मील्स बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, लेकिन पोर्शन कम कर देते हैं, थोड़ा पोर्शन हर 1-2 घंटे बाद पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या डायबिटिक्स में क्या होता है कि हम रात को उनको ज़रूर खाना देते हैं, और उनमें पेशेंट्स को अक्सर सुबह भी उठ के खाना खाना होता है, ताकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो है हम नॉर्मली क्या है कि मील्स की फ्रीक्वेंसी और उनका नंबर की रीअरेंजमेंट कर रहे होते हैं। चेंज इन रूट ऑफ डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें ये होता है कि हमने देखना होता है पेशेंट ओरली खा सकता है कि नहीं खा सकता। अगर नहीं खा सकता तो हम उसको ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है, उसके मुंह से ट्यूब गुजारते हैं, जो कि उसके पेट में जाती है या उसके इंटेस्टाइन्स में खुलती है, ठीक है। उसको हम एंट्रल फीडिंग कहते हैं। और पेरेंट्रल फीडिंग वो होती है कि अक्सर औकात पेशेंट की इंटेस्टाइन से और स्टमक बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा होता, तो हम ऐसे में उसको वेन्स के जरिए से न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करते हैं। जैसे कि आपके कोमा के पेशेंट्स हैं, ठीक है, या वो पेशेंट्स जो अनकॉन्शियस हैं, ठीक है, या वो पेशेंट्स जिनका इंटेस्टाइन्स खराब हुई है, स्टमक खराब हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी बिल्कुल एक्सट्रीम आपकी इंटेस्टाइन्स खराब है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही पेशेंट है जिसको स्वेयर ग्लूटेन एलर्जी थी, और उसने अभी तक ग्लूटेन खाया और उसकी इंटेस्टाइन्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, पेशेंट को पहले इंट्रावेनस फीडिंग देते हैं, तब तक उसकी इंटेस्टाइन्स रिकवर करती रहती हैं। जब थोड़ी बहुत रिकवर कर जाती हैं, तो हम उसको एंट्रल फीडिंग देते हैं, ठीक है, ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है, और उसमें बिल्कुल ही एक आपकी एक पहले से प्रिस्क्राइब प्रोपोर्शन होता है, लिक्विड सा प्रोपोर्शन होता है,
बाज़ार से फार्मूला अवेलेबल होता है जो कि पेशेंट को दिया जाता है। फिर उसके बाद जब उसका स्टमक और माउथ वर्क करना शुरू करता है, ठीक है, ये जो है इंटेस्टाइनल सर्जरी में भी होता है, तो फिर उसके बाद उसको लिक्विड डाइट पे लेकर आते हैं कि वो पेशेंट ऑरली लिक्विड डाइट लेता है जिसमें टी होती है, लिक्विड डाइट जिसमें कोई भी आपका कोई भी थोड़ा बहुत थिक सिरप प्रेसिपिस भी ना हो, ठीक है, बिल्कुल पतली लिक्विड डाइट जिसमें खाली टी हो दूध के बगैर, ठीक है, या खाली ब्रॉथ हो स्ट्रेन हुआ हुआ, ठीक है, या स्प्राइट हो या ग्लूकोज पानी हो, ठीक है, फिर और क्लियर लिक्विड डाइट से लिक्विड लाइट डाइट पे आता है जिसमें उसको दूध देना शुरू किया जाता है, फिर लिक्विड डाइट से वो सेमी लिक्विड डाइट में आता है जिसमें हम थोड़ा बहुत उसको प्यूरी दे सकते हैं, फिर सेमी लिक्विड डाइट से समय सॉलिड डाइट में आता है जिसमें हम उसको हल्का फुल्का हलवा खिला सकते हैं या हम उसको हल्का फुल्का कोई भी ऐसी नरम जैसे नरम गज़ा जैसे खिचड़ी बना के पतली खिचड़ी बना के दे सकते हैं, फिर उसको ब्लैंड डाइट पे लेकर आते हैं और फिर नॉर्मल डाइट पे, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी रूट ऑफ डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। रूट ऑफ डिलीवरी तो वैसे आपकी यही है, ओरल एंट्रल या पेरेंट्रल, ओरल ओरली खाना, एंट्रल ट्यूब लगाई होती है जो मुंह से या नाक से आपके स्टमक या इंटेस्टाइन में खुलती है, और पेरेंट्रल जो इंट्रावीनस फीडिंग होती है वेन्स के अंदर से न्यूट्रिएंट्स डिलीवर होते हैं। और इसके बाद फिर आपके आती हैं टाइप ऑफ डाइट्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट दिस इज इट। आपका जो है ये नॉर्मल डाइट की मॉडिफिकेशन इस तरीके से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फूड की कंसिस्टेंसी चेंज करके, फूड की एनर्जी वैल्यू चेंज करके, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके, स्पेसिफिक फूड्स को एलिमिनेट करके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेवल या रेशियो एडजस्ट करके, मील्स की फ्रीक्वेंसी रीअरेंज करके, और न्यूट्रिएंट्स की रूट ऑफ डिलीवरी डिटरमाइन करके। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन, अल्लाह हाफिज़।